प्यारियों आपो अपनियां बेड़ियां लेके सतलुज दरिया ते पहुंचे उन्होंने पता लग्या कि गुरु कलगीधर महाराज ने इत्थे सैर करनी है। बेड़ी वालियां ने आपो अपनियां बेड़ियां गुरमुख प्यारियों सजाणियां कीतियां, फुल लाए। कोई कहिंदा गुरु कलगीधर महाराज मेरी बेड़ी च सवार होणगे, कोई कहिंदा मेरी बेड़ी च सवार होणगे। एक सहीदा मलाह सी, सहीदे मलाह दे मन विच फुरना आया कि गुरु कलगीधर महाराज किते मेरी बेड़ी च भी सवार होणगे। गुरमुख प्यारियो जो काल पुरख परमेसर ने जो मन की अवस्था है वह बुझ ली, गुरु कलगीधर महाराज सतलुज दरिया ते पहुँचे ने। गुरु कलगीधर महाराज जिया ने अपने मुखार मिद तो बचन कह कि भाई सहीदा मलाह किथे है। जदों गुरु कलगीधर महाराज जिया ने सहीदे मलाह का नाँ लिया, गुरमुख प्यारियो नेत्रां विचों बराग दे प्यार दे हंजू केर आए कि गुरु कलगीधर महाराज ने सच्चे पातशाह जी ने मैनू याद किया है। तो गुरमुख प्यारियो सहीदा मलाह ने जो बेड़ी है किनारे लियांदी, तो गुरु कलगीधर महाराज का हाथ अपने हाथ विच लै के गुरु कलगीधर महाराज ने बेड़ी च सवार किया। गुरु कलगीधर महाराज कहिंदे सहीदे आ मार चप्पू, सानू इस सतलुज दी दरिया की सैर करा। गुरमुख प्यारियो सहीदा मलाह कदे गुरु कलगीधर महाराज नू सज्जे लेके जांदा, कदे खब्बे लेके जांदा, गुरु कलगीधर महाराज नू दरिया की सैर कराउंदा। महाराज बड़े प्रसन्न होए, सहीदे आ ते सानू दरिया पार कराया है। जदों दूजे किनारे ते गुरमुख प्यारियो सहीदा मलाह पहुँचिया, तो पहला सहीदा मलाह आप उतरिया, फिर गुरु कलगीधर महाराज ने बेड़ी तो दूजे किनारे तारिया। तो गुरु कलगीधर महाराज ने अपने गीसे विच हथ पा के कुछ माया देनी चाही भी भाई सहीदा तेरा किराया किन्ना बनता है, तू किराया लै। सहीदा मलाह बड़े निम्रता च विच आ के महाराज नू बेनती करदा, महाराज जिमें मैं दास ने आप जी नू ये समुंदर पार दरिया पार कराया है, किते मैनू भी इस भव सागर तो पार कर दिओ। गुरमुख प्यारियो गुरु कलगीधर महाराज कहिंदे भाई सहीदे आ तैं सानू साडे शास्त्रां नू साडे सारे शरीर नू तैं ये सतलुज ते सरयार कराई है, आ सहीदे मलाह तेरिया इक्कां कुलां तरनगियां। गुरु कलगीधर महाराज ने सहीदे मलाह दियां इक्की कुलां तारियां। साध सर महर दे पवित्र स्थान ते जुड़ बैठे हाँ, इत्थे जो भी सरदा ते प्रेम सत्कार नाल सेवा करदा, जो भी गुरमुख प्यारे ओ सच्चे दिलों अरदास करदा, दुध वाले नूं दुध दियां दातां, पुत्तां वाले नूं पुत्तां दियां दातां, नाम दियां दातां, इस दर तों गुरमुख प्यारे ओ प्राप्त हुंदियां ने। गुरु महाराज कृपा करन आओ, पंथ दे महान ढाडी जत्थे ओ पहुँच चुके हन। भाई शमशेर सिंह जी नीलोंपुल वालियां बीबियां दा ढाडी जत्था गुरमुख प्यारे ओ पहुँच चुकिया है, आप जी नूं ढाडी बारह द्वारा निहाल करनगे। बड़ा ही पंथ दा मशहूर ढाडी जत्था है, नगरां कीर्तनां दे विच होर समागमां दे विच बड़ी नामवर जत्था है, बड़ी चढ़दा कला दे विच गुरमुख प्यारियो गुरसिखी दा प्रचार करदे ने। इत्थों तक कि बाहरलियां कंट्रियां विच भी जा के गुरसिखी दा प्रचार करदे ने। ते गुरमुख प्यारियो ये जो मार्ग है, महाराज कहिंदे बड़ा औखा मार्ग है, इस मार्ग दे उत्ते कोई दृढ़ विश्वास वाला ही चल सकदा है। सो सतगुरु महाराज कृपा करन, गुरु नानक महाराज का जो ये समागम है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का गुरमुख प्यारियो जो नगर दबुरजी ते गिजड़ी दियाँ समूह सिख संगतां ने हर साल की तरह जो सेवा गुरमुख प्यारियो प्राप्त हुई है उन्होंने निर्विघन सहत सतगुरु संपूर्णता दिंदे ने।
गुरमुख प्यारियो इस अस्थान दे हेड ग्रंथी भाई गुरमीत सिंह जी जो गुरमुख प्यारियो अमृत वेले दरबार साहब गुरमुख प्यारियो गुरु महाराज जी का जाप करते ने नितनेम दियां बाणियां गुरकियां सिख संगतां नूं सरवण करवाउंदे ने सामी रहिरा साहब दे कीर्तन हुंदे ने गुरमुख प्यारियो उपरंत भाई बख्शीश सिंह जी इस स्थान दे हेड ग्रंथी भाई गुरमीत सिंह जी ते भाई बख्शीश सिंह जी हर जस कीर्तन द्वारा सिख संगतों निहाल करते ने। सो आओ भाई शमशेर सिंह जी मैं ज्यादा समा ना लैंदा होया पहुँच चुके ने आप जी नूं गुरमुख प्यारियो तकरीबन 2:15 तक ढाडी वरां द्वारा निहाल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी वाहेगुरू वाहेगुरू जी रहे विस्माल दातया तेरे नाम दान
असी पापी ते भुलण हार हां तू है बख्शण हार पातशाह तेरे हुक्म दे विच चलदा ए संसार पातशाह असी पापी ते भुलण हार हां तू है बख्शण हार पातशाह तेरे हुक्म दे विच चलदा ए सारा संसार पातशाह परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु रूप गुरु किसा जी अति नबादी सत्संग जीओ जितनिया भी संगत सतगुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन जुड़िया हुई साहब कमाल गुरु गोबिंद सिंह कलगी धर्माले के पावन अस्थान की हाजिरी भारी है गुरु प्यारे वड्डे भाग ने ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
मेरे बहुत ही सत्कारयोग जथेदार बाबा नरेंद्र सिंह साहब जी, जथेदार बाबा बलविंदर सिंह साहब, उन्हां दी रहनुमाई दे हेठ ये पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा सोमासर साहब के जो मुख्य सेवादार जथेदार बाबा मेजर सिंह जी, जिते संगतां नूं नाम नाल जोड़े ने, सेवा नाल जोड़े, उत्ते नाल दी नाल पावन पवित्र दी स्थान की सेवा जिहड़ी संभाली जा रही है, सेवा संभाल कर रहे ने। और गुरु प्यारियो, यो पावन पवित्र धरती है जिस धरती ते मेरे बाजा वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह कलगी धरमाल के मुबारक चरण पै रहे। ये धरती पूजन योग है जिते सतगुर ने कृपा की है। ये धरती जी आम धरती सोमासर का रूप दे दिता। सोमा एक फुहारे की तरह गुरु प्यारे बाणी का सोमा इतों फुटिया। कदे ये धरती रेतली धरती टिब्बिया की तरह नज़र आया कद, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह कलगी धरमाल के पावन धरती के उत्ते आने के नाल ये धरती भागा वाली बन गई है, पूजन योग बन गई है। सतगुरु जी फरमान कर रहे, जिते जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थाम सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। बाकी वो सत्कार योग धरती बन जाती है। अठ तड़ तीर्थ जा साध भगत तरे तहां बकुंठ जा नाम उचरे। वो धरती की धूड़ चुक के मस्त को ला के गुरसिख संगत अपने वड्डे भागा वाले बनाया कर दिया ने। इस करके पूर्व मासी के दिहाड़े में मतलब गुरु साहब के पावन दरबार की हाजरी भर है। गुरु प्यारियो आओ अपनी हाजरिया लवाइए, तुहाड़ियां ते साडियां हाजरिया पातशाह प्रवान करन, अदब ते सत्कार दा सीस झुकाइए, अपनी रस्ता पवित्र करिए, पावन चरणां दे प्रवान हो जावन, अपने मुख नूं पवित्र करिए। दो बार सतनाम वाहिगुरु दा जाप करिए जी, आखिए जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे पातशाह प्रमाण करते ने, मेरे माधो खोई तज की धूड़ नानक दास वासै जैन हरनाम हृदय परोई। विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा, कवि लिखता कहता खा लै खर्च लै पुंते दान कर लै, दौलत बच्चे जमीन दे पड़ी रहनी, चार देर तू सड़क ते सैल कर लै, बग्घी विच तवेले दे खड़ी रहनी। एवें हौसल जवानी का माण करदा है, लगी सदारी हौसल की झड़ी रहनी, एक दिन उम्र की डोल दे टुटले गुड्डी सदारी अरस ते चली रह रही। नाम जपन नूं जीभा दित्ती, गुरदर्शन नूं अखी, एक एक सुहास व्यारता जावे हाथ ना आवे लखी। ऐ मना नाम जपै कर सिमन करै कर, प्राणी तू आया लहा लैण, लगा कतक पकड़े सा मुकदी चली रहण, रैल गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाई। पातशाह फरमा कहते आवो सिख सतगुर के प्यारो गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी आ सिर बाणी। हजूर दे पावन दरबार की हाजरी भरदा सुभागा समा पा तो हो रहा प्यारियो। और गुरु प्यारे खालसा जाओ, कुछ समा ढाडिया ताप गुरसिख संत दर्शन करने वास्ते हाजिर होया। इतिहास के पन्नों नाल जुड़दा जतन करिए। मेरे बाजा वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह कलगी महाराज आनंदपुर साहब की पावन पवित्र धरती के विराजमान ने, गुरु प्यारे खालसा जी, लगातार दुश्मन दल दिया फौजा के ना जंग सिरिया रहा, पहाड़िया ते बाजते राजे लगातार आनंदपुर साहब की पावन धरती गुरु गोबिंद सिंह कलगी महाराज और गुरु गोबिंद सिंह कलगी धरमां दे खालसे तो खाली करवाउणा ते लगातार जंग युद्ध करते रहे ने। हजूर गुरु गोबिंद सिंह कलगी महाराज जी के खालसे नूं गुरु भी जो बाहरों रास्तौली बंद हो गई आ, फिर भी सिंघां ने भुख नूं सहारदे होए मैदान के अंदर दुश्मन ना जूझते हुए मैदान अंदर टेकां दे बटो हाथ में फड़ के दो हत्थ करते रहे ने। लेकिन गुरु प्यारे उस समय अगे चलता रहा। एक समा हो गया कि जो बाहरों रास्ते बंद हो गई तो अंदर लंगर मस्ताने हो गए, तो सिंघां ने फिर भी कहते दरख्तों के पत्ते खा खा के गुजारा किया, लेकिन फिर भी चढ़ती कला रहे दुश्मन ना जूझते रहे। एक समा ऐसा आया कि शरीर में ताकत खत्म हो गई है, डोलियां दे विचों ताकत खत्म हो गई, सिंघां दे हाथ जड़े वो तेगा दे मुट्ठे फट तो नाकाम हो गए ने। ते गुरु प्यारे उस सिंघारू अपने घर याद आने लगे ने, भुख दे सताए उस सिंघा ने फैसला किया, आपस में इकट्ठे होए ने, खास करके माझे दे सिंघ के बड़ा लंबा समा दुश्मन ने दो हत्थ करते हुए जूझते हैं, लेकिन जंग का कोई किनारा नहीं हो रहा, कोई फैसला नहीं हो रहा, जित हार के पले नहीं पै रही। इस करके आए थे
खुशियां प्राप्त करने वास्ते आजादी प्राप्त करने वास्ते, लेकिन पहले की पे है भुख पले पै गई है, दुख पले पै गए रे, घर परिवार छड्ड दिते रे, परिवार नूं मिलिया नूं बड़ा लंबा समा हो गया, बच्चे के मुख देखो बड़ा लंबा समा हो गया, क्यों ना अपने घर चलीए, अपने घर में रह जिंदगी सुखा नाल गुजारीए। अज गुरु प्यारे खालसा जी इन्हां सिंघां ने फैसला किया, फिर गुरु गोबिंद सिंह कलगी धरमां दे पावन चरण आदर जाके पहुंचे ने, दो हथ जोड़ के सिंघां दे जथेदार ने बेनती की पातशाह कृपा करो आ लंबा समा दुश्मन ने जंग करते हुए मैदान के अंदर जूझते हैं, लेकिन भुख तो तंग आ गए, हुण असीं आपदे कोल ज़्यादा समा रहना नहीं चाहते, कृपा करो छुट्टियां दे देवो असीं अपने घरों नूं चले जाइए। पातशाह कह लगे सिंघो घबराओ ना, आ मुगलिया फौजा मैदान छड़ के थोड़े समय तो बाद अपने भजन वालिया ने, इस करके मैं आप खुद तुहाडे सिरा ते फतह दे सिरे सजा के तुहानू घरां नूं भेजांगा। लेकिन गुरु प्यारिओ सिंघ एक बच्चे जिद्दी बच्चे की तरह ते कड़ी वाले घोड़े की तरह इको गल ते आ गए ने, कहिंदे सतगुरु जी कृपा करो सानू घरां नूं भेज दिओ वरना, महाराज कहिंदे सिंघो वरदा कि कहिंदे वरदा सी अपनी मर्जी नाल चले जाणा। कलगी धरमां राज सोच रहे सिंघ अपनी आई ते आ गए ने, हुणे मंगण वाले नहीं, हजूर गुरु गोबिंद सिंह कलगी धरमां राज आखिया कवि लिखदा कलगी धार दे आखिया सुनो सिंघो मेरे नाल हिसाब मुका देवो, बाजा वाली आते गुरु साढ़ा दे कागज ले के अंज फड़ा देवो। गुरु प्यारे सतगुरु जी कहते जाना चाहते हो सिंघो पे गुरु और सिख वाला रिश्ता जरा तोड़ दौ, लिख के दे देवो कि गुरु गोबिंद सिंह साढ़े गुरु नहीं थी, असं इन्हों सिंह नहीं। गल सुनी आ चाह चढ़ गया, सोच रहे ने सिंह के बड़ा सौखा तरीका हो गया गुरु महाराज को जवाब दे के घर जाने कागज चुका गुरु प्यारे कलम ले आ लिखना सभा उत्ते शुरू किया कि बड़ा लंबा समा भुख नूं बर्दाश्त करदे दुश्मन ना दो हत्थ करदे मैदान दे जूझदे रहे हां, पर हुण भुख तो तंग आ के असीं अपने घरां नूं जा रहे हां, अज तों बाद साडा गुरु गोबिंद सिंह साडा गुरु नहीं ते असीं इहनां दा सिंघ नहीं। चिट्ठी लिख के इक सिंघ तों डोलिया ने सातों भुख्या तों खंडे बजदे नहीं, बाजा बाणी अज तों गुरु साडा ते कलगी वाले दे असीं कुछ लगदे नहीं। गुरु प्यारे थले सैद कर दिते ने, सैद करके गुरु गोबिंद सिंह कलगी धरमां दे सामने जाके जिस तरह वो बदावे वाली चिट्ठी अपने वालों सैद करके गुरु कलगी धरमां नूं जाके फड़ाई आ ते अंत फतेह बुला दे होए अपने मुख तो जो कुछ कह रहे हैं उस समय दिया लैंदा ते एक दजा ढाडी आता हे यो मारिया भी Thank you.
ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੌਲੇ ਨਹੀਂ ਤਕਾਉਂਦੇ ਐਡੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐਡੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਰੇ ਆਲੋ ਬਦਾਵਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇਰੇ ਆਲੋ ਬਦਾਵਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੁਖੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਆਏ ਉਲਟੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ ਦੁੱਖੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਆਏ ਉਲਟੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ ਦੁੱਖੜੇ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਨਿਭਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਨਿਭਦੀ ਨਾ ਸਿਰ ਪਰੇ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਡੇਰੇ ਆਲੋ ਬਦਾਵਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇਰੇ ਆਲੋ ਬਦਾਵਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇਰੇ ਲਿਖਤ ਸੰਭਾਲੋ ਜੀ ਨਾਲੇ ਲਵੋ ਆਪ ਦੀ ਵਰਦੀ ਰੱਖੋ ਚੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਦੀ ਰੱਖੋ ਚੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਖੇੜੇ ਆਲੋ ਬਦਾਵਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇਰੇ ਆਲੋ ਬਦਾਵਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਦਾਵੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਲਓ ਬੈਦਾਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਲੈਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ
सिख की जी परिभाषा वो लेके कि ना सा गुरु कुछ ना असं गुरु के कुछ लगते हैं और रिश्ता तोड़ दिता। हजूर गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर महाराज ने चिट्ठी फड़ाई है बदावे वाली फतेह बुलाई है सतगुरां ने चिट्ठी पढ़ी है फड़ के चिट्ठी पढ़ती शुरू की पातशाह आख लगे सिंह ये चिट्ठी तुहाड़ी संभाल के रखागा कदे लोड़ पै जाएगी कदे काम आ जाएगी। अंत फतेह बुलाई है सिंह गुरु प्यारे अपने घर जा रहे हैं मन में चाह ने खुशियां ने आपसी गल्लां करते रहे। वो यारो एवें बोझदल कैरा वाली जिंदगी आनंदपुर की धरती से गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोल रह के गुजारी आ आए थे आजादी प्राप्त करने वास्ते जी लेकिन दुख प्राप्त कर रहे की खटिया रह के गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोल दुख कदे सुख का साथ ही आया जंग युद्ध लड़ते रहे आराम ने कदे बैठे नहीं रज के कदे प्रसादा लंगर पाली नहीं सकया भुखे तैयार रह के बैरी ने लड़ते रहे हैं कितना चंगा दिन यही समाज से अपने परिवारों में अपने बच्चों में रह के गुजार दे खुशियां न गुजर ते चले जा रहे गुरु प्यारे रास्ते में एक नगर है एक निक्का जिहा बच्चा मिट्टी दी घोड़ियां बना के खेल रहा ते एक कोलो लग गए माँ ने तकिया कि मेरे बच्चे दे कोलो ओ लंघे ने लोग वो कौम के गदार जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं धोखा दे के आए ने खेड़ रहे बच्चे ने भज कह के मां ने मुख से चंड मार दी है बच्चा रोन लग पाया रोंद मां ने तकिया अपने पुत के घुट के सिर ला लिया हूँ मां नू एक पुत ने सवाल किया है आख लगे मां मैं तो किसी ने कुछ भी नहीं किया मैं तो खेड़ मैं कोई माड़ा नहीं बोलिया मेरे थप्पड़ क्यों मारे आके चंड के चपेड़ क्यों मार दी है मां ने घुट के सिर लाया तो आख लगी बेटा तेरे पुत ने इस करके चपेड़ नहीं मारी कि तू किसी ने कुछ माड़ा आख्या जा कोई नुकसान किया चपेड़ तेरे इस करके मारी है आ तेरे कोल जिहड़े लोग लगे रे पांच चार इकट्ठे होके पांच सत्त बंदे एक कौम दे गदार दे एक धोखेबाज ने ये गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर तो औखे मेरे भी धोखा दे के आए ने मैं नहीं चाहता कि इन्हां दा परछावा तेरे उत्ते पै जाए मैं चाहनी हाँ तू कौम का सरमाया बन जाए तू कौम का हीरा बने जे इन्हां दा परछावा तेरे उत्ते पै गया तू कौम का गदार ना कितें बन जाए। गुरु प्यारिओ ये अगे निकल गए ने सत्कारयोग गुरसिख संगत वालों वीर वालों भैर वालों व्यक्त माण भेजा जा रहा है इतिहास का माण सतगुरु के पावन दरबार की हाजरी भर दे माया सफल की जा रही है सतगुरु की कृपा कर हाजरी प्रवान खजाने भरपुर चढ़ती कला पातशाह बख्श कर सत्कारयोग खालसा जीओ अगे चले जा रहे एक नगर आया चंबाल नगर है माझे का मशहूर बड़ा जाने पहचाने इतिहास में बड़ा वाला थान रखने वाला यह नगर है वो नगर अंदर पहुंचे रहे उन्होंने समय के अच्छ सा सभ्याचार खत्म हो गया उन्होंने समय समय के अंदर पिंड तीया जा तिरंजना आम लग्या कर दिया सन पिंड के दरवाजे में गुरु प्यारे तिरंजना जुड़िया हुई ने यह तिरंजना के सिंगणिया की जथेदार की माई भागो वह भी विराजमान आ उन्हें तकिया आते सिंगा के वल अपने नाल दिया भैनों आख रहे भैनों गुरु का खालसा आ रहा है इसका सत्कार करना आप अपने थान से खड़ के जो जो नेड़े आए भैन ने तकिया आते सिंगा तो अपने सिर के दुपट्टे संभाल ले लें चुनिया संभालिया सिर कजे ने ढक लेने सिर तो कोल अपनी थान उत्ते खड़ के फतेह बुलाई है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वो फतेह प्यारियो जिहड़ी फतेह का जकारा सुन के आ पहाड़ी अते बाजते राजे नींद हराम हो जाती सी जे फतेह नूं सुन के पर्वत गूंजन लग जाते सन ਤਾਂ ਜੋ ਫਤਿਹ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਕਾਰਾ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੁਰੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਗਿਆ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਉਹ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਠਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਬੜੀ ਗਿੱਤ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਲੁੱਟਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ बस सिरपे कहते खादा पिता लाहेदा रहता अहमद साहेदा लेकिन गुरु गोबिंद सिंह कलगी धर्मां दे ये खान बदल दिते है मेरे बहुत ही सत्कारयोग वीर वो महान सिख कौम के बहादुर योधे अमर सिंह संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाले के नाम उत्ते हर ठंडी यात्रा प्यार भेजते रहे माण देंदे ने ते 50 लख दा बड़े प्यार भेज रहे जी ते साहिब कृपा कर हाजरी प्रवाल खजांदे पुरपुर गुरु महाराज चढ़दी कला बख्श सिखां दे गुरु प्यारियो वह अकाल सिंह ने बोल बदल दिते रहे हुण की आखा जांदा सी कवि लिखदा कहिंदा वी जदों किते पठाणियां दा बच्चा रोंदा सी पठाणिया कहिंदे पुत्रा चुप कर जाए किते नालूआ ना आ जावे
विद्वान दे लिखा कहता फतेह सिंह बलाई जो हरी सिंह नलूए ने चलद रोते तक अज ये कहानियां रोवे जा रिहार करे बच्चा जो मां दे नाल आ गया नलू आए कहदियां पठानियां फतेह सिंह बलाई जो भाई बचत्तर सिंह सूरमे ने मात हाथियां कहते एक कदम लंघिया मारिया ती नेजा जो सिद्ध किते सूरमे ने तबीयत चीर के सी मथे विचों लंघिया। गुरु प्यारे खालसा जी फतेह का जकारा सुने माई भागो ने उहदा मत्था ठड़क गया उहने आए सिंघां ते सवाल किया आक लगे सिंघो सुनाओ मेरे चौधरी श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगी धरमां दा हाल किस अवस्था में रहे कि अनंदपुर की पावन धरती सिरिया जंग समाप्त हो गया कि गुरु गोबिंद सिंह कलगी धरमां ने तुहानू आग्या दे के घरां नू भेजिया कि हजूर गुरु कलगी धरमां ने तुहाडे सिर ते फतेह सिरे च लैके तुहानू घरां नू भेजिया कि महाराज कोल तुसीं वापस मुड़ के कदों जा रहे हो। ये माई भागो दे सवालां दा सिंघां दे कोल कोई जवाब नहीं सारे निमी पा के खड़े ने जथेदार निमी पाई खड़ा माई भैगो ने फिर सवाल किया लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बारी माई भैगो ने आसा सिंघो मैं तुहाडे कोलों पुछा गुरु गोबिंद सिंह कलगी धर महाराज जी किस वास्ता में चले अनंदपुर साहब की पावन धरती सड़िया दुश्मन का जंग समाप्त हो गया कि गुरु गोबिंद सिंह कलगी धर मैं तुहाडे सिर ते फतेह दे सिरे से तुहानू घरां नू भेजिया कि गुरु कलगी धर महाराज जी ने तो आग्या लैके तुसीं घरां नू आए हो कि हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तुहानू अपने को दुबारे बुलाया है। गुरु प्यारियो माई भागो के इस सवाल को सुन के बड़ी नीवी वाले सिंह ने जथेदार महा सिंह ने आख्या आखा लगा माता जी ना तो जंग छड़िया होया समाप्त होया ना कलगी धरमां ने सानू आग्या दित्ती घर नू आउण नू ना सतगुरु गुरु कलगी धर महाराज ने साडे सिर ते फतेह सिरे सजाए रहे अते ना ही असी गुरु महाराज कोल मुड़ के जाण दा दुआरे मन बनाया। तो माई भागो कहिंदी भई तुहाडे आउण दा कारण की है वह जंग छड़िया खत्म नहीं होया फतेह दे सिरे तुहाडे सिर ते सजे नहीं सतगुरु ने तुहानू आग्या नहीं दित्ती मुड़ के तुसीं जाना नहीं चाहुंदे कि कारण है क्यों आ गए हो कदे भुख तो तंग आखदे गुरु गोबिंद सिंह कलगी धरमां नू बदावा लेके आया कि बाजा वाले साडे गुरु नहीं असी इन्हां दे सिंगली। माई भागो ने गल सुनिया गुरु प्यारे पैरां हेठों जमीन खिसक गई आ माई भागो सोच रही आ वह माझे दा करवांदिया भरिया इतिहास जे किते ये मैदान दे शहीदी प्राप्त कर लैंदे होर दो करवांदिया साडे इतिहास विच माझे दे इतिहास विच जुड़ जाणिया सी लेकिन औखे वेले गुरु गोबिंद सिंह कलगी धरमां नू धोखा दे के आए गए ने पिट्ठ दिखाल के आ गए ने एक करवांदिया अपने इतिहास नू कलंकी दा धब्बा लग गया दाग ला दिता है। भाई भागो इहदा सिंह कोई जोरदार ताना मार दिया ओ माझे बोदल गदारो मैदान दी मौत क्यों नहीं आ गई मर क्यों नहीं गए तुहानू जिंदगी प्यारी है ना तुहानू घर प्यारे ने आ साडे वालियां चूड़ियां अपने हत्थां विच पा लवो सिर ते पहनो साडे वालियां चूड़ी चुन्नियां असीं मैदान अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਹੱਥ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜੂਝਾਂਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਤੀ ਉਲਬਾਤ ਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੀਆਂ ਤਕੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜਿਹਤਰਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜਿਹਤਰਾ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਜਿਹਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਕ ਨੂੰ ਝੰਡੋੜਨ ਦਾ ਅਰਕ ਨੂੰ ਹਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਨੇ ਦੇ ਲੈਣਾਂ ਦਾ ਵਰਨਾ ਢਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ ਇਹੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ
जोड़ देते बेअंत मान सत्कार जो गुरसिख संगत वालों इतिहास के माण माया सफल की जा रही है जी तैलो तबाह दे मेरे बहुत ही सत्कार जो मेरे सादा समाज ने पंथ के महान विद्वान ढाडी गुरमेल सिंह जी अबूवाल साहब जत्थे समेत गुरु साहब के पावन दरबार में हाजिर हो रहे सब तो बाद आप दर्शन करते हैं हाजरी भरनी है जी आया आख्या जा रहा है बेअंत प्यार भेज रहे आशीर्वाद दे रहे हैं जी तैलो शुक्रगुजारा समूह जत्थे का सतगुरु की कृपा का चढ़ती कला बख्शत कर गुरु प्यारियो माई पग ने जोर का ताना मारे वो माझे के बोदल गदारो मकारो तुम मदान मौत घरी आ गई मर जाते सबर हो जाता लेकिन पिट दे के आए गुरु गोबिंद सिंह कलगी धर्मों धोखा दे के आए गए गदारो कौम दे औखे वेले गुरु गोबिंद सिंह कलगी धर्म से पिट खल के आ गए कि चंगा होता मदान अंदर कुरबानी करते शहीदी प्राप्त करते माझे के इतिहास के कुरबानी होर जुड़ जानी सी लेकिन तुम तो दाग ला के आ गए जिदे माझे का इतिहास सदा वास्ते नीवा कर दिता सियाने कहते रहे लकड़ी नूं फाना अते मर्द नूं तां दा एक बराबर होया करदा कवि लिखदा उपना फट बजे आकर जुड़ जाता बोली दिंदी ना कदे बहन सिंघो उते मौत नूं मुल खरीद लैंदे लोकी आखदे जिस नूं डैन सिंघो कतरा कतरा बहा के खून दा दसो लग्या कदों ओ बहन सिंघो नीलो अड़की बंदे कौम तो सदा आपा वार दे रहन सिंह गुरु प्यारे मर्द नू एक ताना मारे मर्द बंदा जबर ते जुलम जेकर युद्ध मारे तैयार हो जाएगा बोधन नू चाहे दासता ने मार दो कोई फर्क नहीं पवेगा माई भागो ने जोरदार ताना मारे एक भुख तो तंग है माझे दे सरदारे नू गुरु प्यारे जथेदार मास दी मर्द बारे अड़ख ने हलूणा मारिया गैरत जागी है उन्हें आख्या माता जी बस कर होर बर्दाश्त नहीं हुंदा ते गुरु प्यारियो गलती कितनी महसूस होई है कहता बहुत बड़ी गलती है माता जी गुरु गोबिंद सिंह कलगी धर्म असीं भुख तो एक ना सहारे होए सतगुरु जी दा अपना रिश्ता गुरु अते सिख वाला रिश्ता तोड़िया है पर सियाले कहिंदे जे सवेर दा भुलिया वापस घर आज वेला शाम नूं उहनूं भुलिया नहीं कहिंदे उस वेले गुरु प्यारियो ने अपनी तेग दे नोक दा लीह खिंच दित्ती है अपने नाल दे सिंगल कदाओ जो दियो जिन्हां नूं अणख प्यारी है जिन्हां नूं गुरु दा प्यार है जिन्हां नूं सिक्खी नाल प्यार है ओह साला मार के सारे लैन टप के इधरले पासे आ जावो पर जिन्हां नूं घर प्यारे ने जिन्हां नूं बच्चां नाल परिवारां नाल प्यार है जिंदगी नाल प्यार आ ओह इत्थे रहो उहनां नूं हिलण दी लोड़ नहीं इह जथेदार महासिंह दी तकरीर सुणिया सी करे ते सारे साला मार के इक पासे हो गए रे गुरु प्यारे खालसा जीओ जथेदार कौमी प्रवाना सरदार महासिंह जी ने सारे सिंह इकट्ठे करके बे गुरु गोबिंद सिंह कलगी धरमां दे पावन चरणां अरदास बेनती कीती है और गुरु प्यारे खालसा जी करके अरदास ए बहादुर सूरबीर योद्धा माझे दे बहादुर शेर जिहड़े भुख तो तंग आ के बदावा लेके दे के आए गुरु कलगी धरमां वाले नूं मुड़ दुआरे कीती नूं पछताउण वास्ते सतगुरु तों माफी मंगण दे लई गुरु प्यारे खालसा जी गुरु कलगी धरमां दे पावन चरणां करके अरदास बेनती कौमी प्रवाना अपने नाल सिंघा लेके बना दे जगदू चढ़ाई हे क्यों कर रहा
ਸੀਸ ਤੇ महान जो मेन जथेदार साहब जथेदार मेजर सिंह साहब जी सत्कारयोग बाबा जी बाबा गुरमीत सिंह साहब जी स्टेज सकत की सेवा दुबारे सत्कारयोग सब चलो धन्यवाद जी आने वाले जिते गुरु सत्कार विशेष तौर पर धन्यवाद दी धन है गुरु ग्रंथ साहब जो खुलिया संगत दर्शन देखें खुशियां बख्श रहे हैं जी आला प्रभाव सरबगरी फतेह प्रे ढोडा अपना ढाडी अद्दा बीबी संदीप कौर खालसा बीबी राजबीर कौर खालसा सरंगी मट हरप्रीत सिंह हैप्पी ढोलकते साध रहे जी भाई सज्जन सिंह जी कप्तान दास विशेष सिंह नीलोपुर नीलोपुर वाली बीबिया का ढाडी अद्दा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह ये सन पंथ के महान ढाडी जत्था भाई शमशेर सिंह नीलोपन वाली बीबिया का जिन्होंने बड़े ही प्रेम ते सत्कार दे नाल बड़ी चढ़दी कला दे विच 12 गायन कीतियां ने सतगुर कृपा करन इसी तरह ये जत्थे नूं चढ़दियां कला देण सो बेनती है मैं बेनती करा भाई गुरमेल सिंह जी अबूवाल का इंटरनेशनल ढाडी जत्था है वह भी बड़े विशेष तौर पर पहुंचा है उन्होंने बेनती है कि तकरीबन वह गुरमुख प्यारे 2:30 बजे तक आप जी ने ढाडी वारा द्वारा निहाल करे उन्होंने उपरंत इस स्थान के हेड ग्रंथी साहब
भाई गुरमीत सिंह जी आप जी हर जस कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। कीर्तन सुना के संगतान गुरमुख प्यारे जो 3 बजे सारी समाप्ति हो जानी है। कीर्तन सुना के संगत निहाल करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु देख भी तो पैदा होया कतरे च देग रखे देख भी तो पैदा होया कतरे च देग रखे बाटे चोर गड़े पीता खंडा तेरे खाल से बाटे चोर गड़े पीता खंडा तेरे खाल से देख भी तो पैदा होया धन सत्कार ये
ज्ञान वादा कटी दिता कंडा तेरे खार से ज्ञान वादा कट दिता कंडा तेरे खार से देख बिचो पैदा होया खालसा जी आओ सारे रमल के गुरदेव पातशाह के पावन पवित्र चरणों के विच झुका के शीश लवाइए सारे हाजरी सारे गज के बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे खालसा जी दिन सोमवार ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰੀ ਪੁੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਤੀਕਰ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਰਦਿਕ ਅਸੀਸ਼ ਪੁੱਤਰਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਲੋਪੁਰ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜੁਗ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਗੰਬੜੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇਤ ਬਦਲੀ ਬੈਦ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਦਰਦ ਬਦਲਿਆ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋ ਹੈ ਬਦਲਤੇ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਲੇਕਿਨ ਮਰਦ ਬੋ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਐਸਾ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੋਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਤਰੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਾਗ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕੁੜੀਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਔਗੜਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸੱਜਣਾ ਆ ਨਾ ਸਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਪਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਪਲਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਪਲਕ ਜਿਸ ਪਲਕ ਤੇ ਇਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਲਕ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ਵੇ ਸਾਧਨੇ ਤੇ ਮੂਹੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਬਲੀ ਤੇ ਪਲਕ ਦੇ ਬੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਰ ਬੱਕੇ ਝਟਕਾਏ ਹਨ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਅਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਲ ਚਮਕਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਬਲੋ ਦੀਆਂ ਗਲ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਐ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਲਕ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੀਤ ਤੇ ਹੀਰਾ ਜੜੀ ਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਰਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਣ ਤੇ ਤੀਰਾ ਪੱਥਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਰੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਲ ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਰਾਹੂ ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜੰਤਰ ਕੀਤੇ ਤੰਤਰ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਆਖਿਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਕੌਣ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਸਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵਰਗੀ ਨੰਬਰ ਐ ਦੋ ਜਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਲੂਲਹਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲਸਣ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਿਆਜ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰਨਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਲਹੂ ਰਹਾਣ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੁੱਲਿਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਭੈਣ ਦਾ ਖੂਨ ਮਤਾਬ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ ਲਹਾੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕੀ ਤੇਰੀ
ਆਤਮਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈਆਂ ਵਰ ਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅੱਬੂ ਬਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਲਵਾਰਾ ਗੁਰਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅੱਬੂਵਾਲ ਦਾ ਟਾੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਛੀਆ
ਟਾਈਗਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਜਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਪਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਤੇ ਬਿਰਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਐਸੀ ਚੰਗੜਾਈ ਜਾਲੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1700 ਅਤੇ 27 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਐਸੀ ਮਨ ਤੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗੁੱਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਟੇਕਾ ਪੁੱਠਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਮੈਂ ਪੁਨਰਹਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰਹਾਰ ਹਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੱਲ ਕਰ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਮਾਧੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵਰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਲਮ ਨੇ ਇਹ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੈ ਸਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਮਾਣਿਆ ਤੋੜੀਆਂ ਤੀਰ ਨੇ ਪੰਨ ਸੁੱਟੇ ਖੰਜਰ ਸੁੱਟੀ ਨਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਭਾਨ ਤੇਰਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਚੈਂਚਰ ਹਾਰ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਲਕ ਤੇ ਪਲਕ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕੀ ਤੋਰਿਆ ਨਵਾਂ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਪਗਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਫਟਕਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਸੋ ਸੂਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਪੁਨਰਹਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲੀਆਂ ਹਨ ਜੰਤਰ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰ ਕੀਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਪੇ ਹਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਗੁਆਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਦੱਸ ਲਈ ਕੀ ਘੁੰਮ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਤ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਂਝੀ ਅੱਗੇ ਕੋਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਣ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਰ ਦਾ ਬਾਟਾ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਅੰਬਰ ਦਾ ਬਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਛਕਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਚੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਅਤਰੇ ਬਦਲੇ ਲੜੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਲਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਾਲ ਬਦਲ ਕੋਲ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਗਦਲਾ ਬਦਲ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜੀ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਗਰੇ ਚੋੜ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਿਆ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਿਤ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਥਾਪੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਤਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਰੇੜ ਦੀ ਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ
इतिहास का सत्कार करते हुए सब लोग बेहद माया भेजी गई जिन्हों विचार पहरादार बन के अपने गुरु का हुक्म बजाउण दे लई आते नंदेड़ दी तरती ले है और नंदेड़ दी जिसे शेबे के पछाण अजकल उथे गुरुद्वारा नगीना घाट ते जिथे हीरा पेड़ किता उदार ते जिथे हजूर ने आके जदाज ते एक किता वजन दान सिंह जी हाथ तेरा अते खीसा मेरा बंदा सिंह बहादुर नू एक बार कहके खिमा दे जाज को जाने एक टाड़ी बार ना किसे मंदर बेच ते ना किसे ते ना किसे चर्च बेच ए पांच लड़ाइयां जित के अते खारसा पंदा ते चंडा चरा के उन्हें जाल बनू ते सजा दे के बंदा सिंह ते सात बंगड़ा हो बैठे ते दोने थानेदार इधर ते गंगूर सोईया ते योदा कोले पता लेने ते जिन्होंने ते सिखा ते री चाहिए ते योदा कोले पता लेने यारे खालसा जी ते भाई भगत सिंह बच्चों ते भाई फतेह सिंह जी वह भी जथा लेके गए इधर ते प्यारे ते सारे गुरु के लाले ने यार खालसा जी ऐसे कुमार जथेदार बाबा बंदा सिंह बहादुर कमरे